बाबा का आशीर्वाद। SVM चैनल पर आपका स्वागत है। सामने आप दीपक की आकृति देख सकते हैं। क्या आपके दीपक पर भी ऐसी आकृति बन रही है या आगे चलकर बन सकती है? इसलिए इसे ज़रूर देखें। ऐसी जब दीपक की आकृति एक ही बाती है, उसमें अलग दो हिस्से हो गए हैं और दोनों में चंद्र बना हुआ है जैसे आकृति बनी हुई है, ये इसका अर्थ होता है कि आपका दीपक शक्तियों से भरा हुआ है। आपके दीपक में दो शक्तियां एक साथ विराजमान हैं। इसका मतलब जो आप साधना कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके साथ दो शक्तियां विराजमान हैं। वैसे भी कहा जाता है कि शक्ति कभी अकेली नहीं चलती है, शक्ति जोड़े में ही चलती है। हर स्थान पर आप देख सकते हो कि जोड़े में शक्तियों का पूजन होता है। तो ये आकृति, जब आपकी आकृति दीपक की दो हिस्सों में बट जाती है तो इसका मतलब दो शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। आपके घर में दो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा विराजमान हैं, वो आपका सदैव साथ दे रही हैं। ये आकृति बहुत शुभ होती है क्योंकि शक्ति जब जोड़े में चलती है तब आपका हर कार्य बनना शुरू हो जाता है, शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। और आप आकृति देख ही सकते हो, बड़ी सुंदर है, चंद्र बना हुआ है, मुख बना हुआ है। ऐसी शक्तियां हमें जब प्राप्त होती हैं तो हमारे शरीर में भी बहुत बदलाव आता है। कई ये कहते हैं जी हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है। शरीर में तो आपका दर्द होगा अगर कोई शक्ति आप ग्रहण कर रही हैं तो आपका शरीर जागृत हो रहा है। शरीर जागृत होगा तो जब कोई चीज़ सोई हुई है उसको उठाते हैं तो उठाने में कष्ट ज़रूर महसूस होता है। उस कष्ट को आप सिर्फ ये सोचकर कि हाँ मैंने आगे जीवन में बढ़ना है। दरबार में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, देखो जी आकृति तो अच्छी बनी हुई है पर हमारे को तो सर में बहुत दर्द है और हमने हर तरह का इलाज कराया, हमें सर पे दर्द पता नहीं कैसा है। जब आपकी छठा चक्कर जागृत होता है तो उसमें सर में दर्द बनता है क्योंकि यहाँ पर जब चक्कर मौजूद होता है उसमें आपको खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा आपको पेन महसूस होता है। और ये पेन सिर्फ भक्ति का होता है, ये सिर्फ बिना गुरु की वजह से हम समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के मुझे बार बार फ़ोन आते हैं लाइव में, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ दर्द है, हमारे यहाँ दर्द है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, हमने सब कुछ किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो इसलिए कभी भी हमें नहीं डरना चाहिए, आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दिखाने वाले की आवश्यकता रहती है। इस आकृति की आप अगर महिमा देखें तो कितना सुंदर कलर है। जिसकी भी आकृति है इसका मतलब उसे अनुभव शुरू हो रहे हैं। अब उस अनुभव को वो कैसे लेता है या यहीं पर समाप्त करता है? अब ये देखो, आप आकृति तो बनी हुई, साथ में प्रकाश में गदा की आकृति बनी हुई है। ये जब आप देखते हैं गदा की आकृति बनी हुई है और उसमें इतना सुंदर प्रकाश, पीला आउटलाइनिंग मतलब पीला आपको कलर दिख रहा है, बीच में वाइट है, हनुमान जी की और माता रानी की इस पर विशेष कृपा होती है। तो ये कृपा इस घर पर सदैव बनी रहे। और जो आकृति है वो आप देख ही सकते हैं, जैसे शेर की आकृति बनी हुई है। पूर्ण रूप से अगर आपको शेर की आकृति देखनी है तो चैनल पर वो भी है जो बिल्कुल स्पष्ट है। देखो कुछ आकृतियाँ ज़्यादा स्पष्ट बनती हैं, उनके कई कारण होते हैं कि वो स्थान जागृत हो जाता है, वहाँ पर कई सालों से पूजा हो रही है तो वहाँ की आकृतियाँ ज़्यादा स्पष्ट बनती हैं। कभी इस बात को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी आकृति इतनी स्पष्ट क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है
ये धीरे धीरे ही आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। आपको ये आकृति तो बहुत स्पष्ट दिख रही होगी कि गदा की आकृति बनी हुई है, बहुत सुंदर लो चली हुई है। तो ऐसी विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होती रही। अगर आपके भी प्रकाश में गदा की आकृति बन रही है तो इसका विशेष संदेश यही होता है, हनुमान जी और माता रानी का यही संदेश होता है कि बच्चा मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ। जब किसी देवी देवता के अस्त्र शस्त्र बनने लग जाते हैं तो वो आपके सभी कष्टों को दूर करने के लिए बनते हैं, वो उन सभी चीज़ों को काटने के लिए बनते हैं। जब हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है तो अभी हम अस्त्र उठाते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके बुरा जो समय है उसको स्वयं भगवान काट रहे हैं और आपका अच्छा समय आने वाला है। जब भगवान ही ने आपके लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए हैं, उनके विशेष गण आ गए हैं आपके दुखों को दूर करने, तो आपको अब सिर्फ धीरज धरना है, प्रभु की भक्ति में लीन होना है। अगर आप इस विषय पर बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, कटार त्रिशूल, तो ये भी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल। हम YouTube पर भी लाइव आते हैं, लाइव के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बाबा का दरबार लगता है रविवार को, आप दरबार में आ सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। हाँ, फ़ोन के माध्यम से शुल्क लिया जाता है, फिर बात की जाती है। बोलो जय श्री राम।